का युव समाज धर्म को थोड़ा अलग दृष्टि से क्यों खुद को अलग रखते हैं? कौन? युवा समाज, युवक का, युवा युवा समाज धर्म के बारे में जो बातचीत होता है थोड़ा दूर रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? बैठिए, उनके माता पिता ने उनको बचपन से दूर किया। माँ के पेट से कोई युवक बन के, युवा बन के तो जन्म नहीं लेता है ना। माता पिता में ऐसी क्षमता नहीं थी कि मदरसा के समान वो अपने बच्चे को आस्तिक बना सके। एक्सीडेंटल उत्पत्ति जिनकी होती है वो भाग जाते हैं। माता पिता अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की घटना घटती है। जो युवक पुरी में, जगन्नाथपुरी में विद्यार्थी जीवन में मेरे पास आ गए, आज वो गृहस्थ हैं, उद्योग भी करते हैं, लेकिन पूरे उड़ीसा के व्यक्ति उनके प्रति बहुत सम्मान व्यक्त करते हैं। वो कट्टर धार्मिक हैं, उनके प्रति शासन तंत्र, सामाजिक तंत्र सब नतमस्तक होता है। युवक जो दिशाहीन हुए हैं उनको दिशा देने वाले व्यक्ति के पास लाने का प्रयास कीजिए, वो संभल जाएंगे। हम तो शिक्षण संस्थानों में भी जाते हैं, वैज्ञानिक संस्थानों में भी प्रवचन करते हैं, उसमें तो अधिकांश वैज्ञानिक अध्यापक और युवक विद्यार्थी होते हैं, युवतियां होती हैं। आज तक तो किसी ने हुल्ला नहीं किया, विरोध नहीं किया, सब मुक्त कंठ से प्रशंसा ही करते हैं, हृदय से सुनते ही हैं। तो जवाहरलाल विश्वविद्यालय में भी अभी मैं गया था, दिल्ली में प्रवचन हुआ। इसका अर्थ है युवकों का दोष नहीं है, वो तो समाज की संरचना इस ढंग से अंग्रेजों की कूटनीति को क्रियान्वित करने की भावना से की गई है कि हिंदू सब दिशाहीन हो जाएं। क्योंकि हृदय और मस्तिष्क की संरचना शिक्षा के आधार पर होती है, जो शिक्षा पद्धति सुलभ है उसके आधार पर तो 2% भी कोई हिंदू हो ही नहीं सकता। ऊपर से हिंदू दिखते हैं ना, लेकिन टटोलने अपना हृदय भी। जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसके आधार पर तो 100% की बात छोड़ दीजिए, 2% सनातनी वैदिक आर्य हिंदू का होना कठिन है। ऐसी स्थिति में हृदय और मस्तिष्क ही दूषित कर दिया अंग्रेजों ने। मेकाले की डाली हुई शिक्षा नीति जो भारत में क्रियान्वित है उससे तो कौन हिंदू रह जाएगा। भगवान की कृपा से बीज की रक्षा होती है, लेकिन शिक्षा के आधार पर व्यक्ति का हृदय और मस्तिष्क बनता है। तो हिंदू कहते कहते व्यक्ति वही कर लेता है जो हिंदुओं को नहीं करना चाहिए। हिंदुत्व को परिभाषित भी गलत ढंग से किया गया है, जो अंग्रेजों की मान्यता है हिंदुओं को नष्ट करने के लिए, स्वतंत्र भारत में हिंदुत्व को उसी ढंग से परिभाषित किया गया। जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, टटोले हैं, तो वो हिंदुओं के लिए सचमुच में बहुत ही दिशाहीन करने वाले सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में बड़ी विचित्र स्थिति है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति बाजार में जाता है तो क्या करता है, रुपये देकर सामान खरीदता है, ठीक है। और कोई नौकरी करता है तो रुपये लेकर के अपने आप को बेचता है। अब थोड़ा विचार करें कि इंग्लिश मीडियम से और मिशन के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं व्यक्ति, वो कौन से हैं। उस शिक्षा को लेने के लिए रुपया खर्च करते हैं या नहीं, मतलब रुपया देकर अपने हृदय और मस्तिष्क को बेचते हैं। उनके माता पिता शिक्षण संस्थानों को रुपया देकर बच्चों के, बालक बालिकाओं के मस्तिष्क और हृदय को बेचते हैं। यहाँ तो हर व्यक्ति बिकने के लिए तैयार है और तैयार किया जाता है, समझ गए ना। ऐसी स्थिति में बहुत पूर्व संस्कार से, पूर्व जन्म के संस्कार से, प्रबल संस्कार से कोई धर्मात्मा हिंदू सनातनी रह जाए, यही बहुत है। क्योंकि प्रतंत्रता के दिनों में जो आघात किए गए वो तो किए ही गए,
स्वतंत्र भारत के आघात तो उससे भी भयंकर हैं। इसलिए अच्छा कौन एक घंटा भी लगाता है समाज के लिए, पेट पालो परिवार चलाओ के अलावा हिंदुओं के यहाँ कोई अभियान है क्या? कहीं अभियान है तो दिशाहीन है। आपको नहीं मालूम होगा ये पादरी आदि नागालैंड आसाम आदि के भयंकर घाटियों में पड़े हुए हैं, तब तो वहाँ वो वनवासियों को जिनको आदिवासी भी कहने लग गए उनको बटोर के क्रिश्चियन बना रहे हैं। शिक्षण संस्थानों के माध्यम से गांव में कस्बे में राजधानी में सबको क्रिश्चियन बना रहे हैं क्या? तो उनकी योजना ऐसी है कि कौन धर्मांतरण के बिना रह जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, वो धर्मांतरण उसका हो ही जाएगा। समझ गए ना? कोई सुविधा के नाम पर, कोई शिक्षा के वशीभूत होकर, तो पूरे देश को ही नष्ट कर चुके हैं अंग्रेजों। उन्हीं के एजेंट बनकर यंत्र बनकर शासन तंत्र काम कर रहा है। शासन तंत्र को ये होश भी है कि हम लोगों के पास आकर शासन कैसे करना चाहिए, ये भारत है, विश्व का हृदय है, इसकी रक्षा कैसे होनी चाहिए, एक वाक्य भी सुने समझे ऐसा समय है किसी के पास? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, मुख्यमंत्री के पास? बल्कि ये तो अपने आप को संतों के भी नियामक मानते हैं। इनकी पार्टी का कोई संत हो तो उसको संत मानते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ये लोग संत बनाने लग गए। समझ गए ना? इनको संत भी सचमुच में परंपरा का नहीं चाहिए, अपनी पार्टी का संत चाहिए जो हाईकमान के सामने यस मैन बन के रह सके। तो बहुत ये तो अंग्रेजों ने पोप जी को संभाल के रखा है, राष्ट्राध्यक्ष सेनाध्यक्ष और मजहब पंथ रिलीजन का सर्वोच्च गुरु बना के रखा है। एलिजाबेथ को या एलिजाबेथ को विक्टोरिया से भी अधिक समय से रानी बना के रखा है। अपने यहाँ उन्होंने व्यासपीठ को शासन तंत्र को सुरक्षित रखा है और उनके अनुगामी बनकर ये जो भारत के शासन तंत्र वाले हैं अपनी दोनों गद्दी को नष्ट कर रहे हैं। समझ गए ना? तो गहराई से सोचे तो क्या अपने पास अपना है? कुछ भी नहीं है। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी सोवे, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कहते रहिए हिंदुस्तानी दिल कैसे आएगा? और कोई प्रश्न?